अंदर है मुझे उन पर फर्क है, फक्र है कि ना तो वो ये संगठन किसी पैसे के लिए चलाती है ना किसी नाम के लिए, सिर्फ आप लोगों की आवाज शासन पे शासन तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि एक कहावत है बचपन में पढ़ी थी मैंने, अभी तो हमारा यही है कि 1000 कम्बल वितरण कर रहे हैं हम, है ना। और ये कम्बल भी ये किसी कोई चंदा के नहीं है, किसी से कुछ लिया नहीं है। जिस तरह से हर साल की तरह हम अपनी महिलाओं को कम्बल वितरण करते थे, लेकिन इस बार हमें शायद GST ने भी परेशान कर दिया कम्बल लेने में। जब हमने GST का बिल दिया अलग से, तो शायद इस बार मुझे बहुत कष्ट हुआ। और मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ये GST आप ख़त्म कर लें और गरीबों को मजदूरों को जीने दें, क्योंकि हम लोग तिनका तिनका जब जोड़ के और वितरण करते हैं, हमें लगता है शायद आप लोग अगर ये करने लगे तो ये हमें गरीबों को ये करना ना पड़े। लेकिन हर बार वर्ष की तरह
इस बार भी मैंने किसी से कोई चंदा नहीं लिया और ना ही कुछ मतलब किसी से कुछ लेते हैं। आज भी हम तिनका तिनका जोड़ते हैं, एक साल जब पैसा जोड़ते हैं जब जाके कम्बल ले पाते हैं, और इस बार साथ मैं प्रधानमंत्री जी की वजह से कम्बल भी कम ले पाई हूँ और गरीबों को वितरण भी कम करना पड़ रहा है, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो GST लगा दी, शायद ये GST का पैसा हम लोगों को बहुत खल्ला है। संदेश तो मैं ये देना चाहती हूँ प्रशासन को कि शासन और प्रशासन अगर गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर ये सब करने लगे तो शायद ये गुलाबी गैंग को तिनका तिनका जोड़ के आज यहाँ पे ही कम्बल वितरण ना करना पड़े। हालांकि ये गरीब जो है मेरा परिवार है, मैं भी एक मजदूर हूँ और मैं भी एक किसान हूँ, ऐसा नहीं है, मजदूर के साथ साथ मैं किसान भी हूँ और उसी किसानी से शायद आज मैं अपनी महिलाओं को तिनका तिनका जोड़ के कम्बल वितरण कर रही हूँ। करती हैं आप इनको, इनको जो है सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाता है? नहीं, लाभ तो नहीं मिल पाता है, लाभ तो ऐसा है हवा हवाई हो गया, जैसे 100 में 10 को दे दिया तो वो इतनी खबर चलती है आजकल कि भैया हम ये स्मार्टफोन दे दिए, इसको हमने रोजगार दे दिया, इसको कम्बल दे दिया, जिस तरह से 15-15 लाख रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर गरीब के खाते में डालूंगा, तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया इस नाम से कि भैया 15 लाख ना आएंगे तो कम से कम 5-5 लाख आ जाएंगे, तो हम जैसे मजदूरों का बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी 5 लाख आ गए और हमने 2-3 लड़कियों की भी शादी कर दी तो हर महिला और गरीब का बहुत भला हो जाता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी से फिर बाद में पता चला कि ये जुमले कह रहे थे वो ये सच्चाई नहीं थी, तो मैं अनुरोध करती हूँ प्रधानमंत्री जी ऐसे जुमले ना कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो गरीब उस गाँव में आपको वोट दें और बाद में 5 साल रोना पड़े, तो जो कहिए वो ओरिजिनल बोलिए। इस आज गुलाबी गैंग की मीटिंग में क्या मिला है? कम्बल। कम्बल पाके कितनी खुश हो? बहुत खुश है। हाँ है। कितने लोगों को मिला है कम्बल? सब लोगों को। मतलब लगभग कितने लोग थे? लगभग कम से कम 700-800 लोग। आज कहाँ भी आएंगे, क्या भी प्रोग्राम था? जी आज हर साल बाजी फरीदा बेगम कम्बल बांटती हैं और सर्दी पड़ रही है तो उन्होंने इन साल भी कम्बल बांटे हैं। शासन से हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती है और ना कभी मिला है, वो हर साल बांटती हैं, हर साल सर्दी जितनी पड़ती है उतना ही बांटती हैं, कम से कम 1000 औरतों को बांटती हैं कम्बल। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लगता है और लगा भी है।